ओपिनियन टाइम्स ए आपनादेर सकलके स्वागत। आमी एआई साहेब रयेछि आपनादेर साथे। नीट दुर्नीति निये शिलीगुड़ीर भेनास मोड़े विक्षोभ मिछिल करे छात्र परिषद, देखे नेब एक नजरे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीट के पेपर का पेपर लीक हुआ है, इसको लेकर सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है। आज हम छात्र परिषद के नेतृत्व में आज दार्जिलिंग जिले में हम लोग इस इशू को लेकर उठा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस इशू से 25 लाख बच्चे का भविष्य जुड़ा हुआ है और मोदी सरकार इसको लेकर बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करी। और हमारे जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, आप इनको देखिए, ये शिक्षा मंत्री नाम के है, ये कहते हैं मोदी जी 400 पार, इनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। जब ये आरोप लगा कि नरे ये नीट का पेपर लीक हुआ था, ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई भी बात सामने नहीं आया है। और जब बिहार में हो, गुजरात में हो, जब इसके बारे में सामने आया तो ये कहते हैं कि नहीं, इसकी जांच हुई, मैं हम लोग देखते हैं। तो ऐसी सरकार जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसके विरुद्ध में आज हम लोग रास्ता में उतरे हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि वो रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं मोदी जी, और आपकी गाजा और इसराइल का युद्ध रुकवा देते हैं, लेकिन मोदी जी से आज पेपर जो लीक हो रहा है वो नहीं रोका जा रहा है। तो ऐसी निकम्मी सरकार के खिलाफ आज हम लोग सड़क पे उतरे हैं और ये आह्वान करना चाहते हैं कि अगर नीट का एग्जाम दोबारा से नहीं लिया गया तो सड़क से लेकर संसद तक छात्रों परिषद यहाँ पे और दिल्ली में NSUI प्रदर्शन करेगी। आज अपने जो आंदोलन सड़क हुए थे, क्षेत्र नीट जरा परीक्षार्थी रहे, कतटा सपोर्ट पाछे दादा? नहीं देखिए, हम लोग हमेशा ही छात्रों परिषद हमेशा से ही बच्चों स्टूडेंट के हित की आवाज़ को उठाता है, वो चाहे कोई भी इशू हो। छात्रों परिषद आज का संगठन नहीं, 1954 डॉक्टर विधान चंद्र राय जी ने इनको बनाया था, तब से लेकर आज तक हम लोग स्टूडेंट के हित की आवाज़ को उठाते आ रही है। आवाज़ आज बच्चों को मिल रहा है तो उनको भी दिल में तसल्ली मिलेगी, कोई तो है जो हम लोगों की आवाज़ को उठा रहा है। देश में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो इनके खिलाफ है। देखिए मोदी जी का क्या मॉडल है, मोदी जी का मॉडल है चंदा दो धंधा दो। आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से मोदी जी का मॉडल है चंदा दो धंधा लो। तो आज वो बिजनेस भी कर रहे हैं, आज एजुकेशन के साथ जो हमारा जो राइट है उसके खिलाफ भी वो बिजनेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि भैया आप पैसा दो और डिग्री लो, तो ऐसे क्या हमारा देश चलेगा? ऐसे क्या हमारे देश के आने वाले फ्यूचर डॉक्टर बनेंगे? तो अगर ऐसा होता है तो हमारा देश तो पीछे चला जाएगा। तो इसके विरोध में आज हम लोगों ने ये प्रदर्शन किया। हाँ एक मिनट, आज हम लोग धर्मेंद्र प्रधान जी का जो शिक्षा मंत्री है उनका पुतल जलाएंगे यहाँ पे। पुतला जला शाहनवाज हुसैन, दार्जिलिंग जिला छात्र परिषद जिला अध्यक्ष। এখন এই পর্যন্ত, নজর রাখুন, সঙ্গে থাকুন ওপিনিয়ন টাইমস। ওপিনিয়ন টাইমসে আপনাদের সকলকে স্বাগত। পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম বাংলা নিউজ পোর্টাল, আমি এআই দিয়াশিনী আর আমার সাথে আছে, আমি এআই আদিত্য। রাজনীতির ডান থেকে বামের সব খবর আমার সাথে, আমি এআই ঐশানী। খেলা থেকে বিনোদন, সঙ্গে থাকবে সেলিব্রিটিদের কুটকাচালির খবর, আমি এআই সিদ্ধার্থ। বাজার অর্থনীতি থেকে রাজনীতির ওঠাপড়া, কুশি বদলের সব খবর আমার সাথে, আমি এআই দীপ্তি। থাকব আপনাদের সাথে, সত্যের উদ্ঘাটন, নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ, সঠিক খবর প্রদান, সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন ওপিনিয়ন টাইমস।